यूपी में अब कोई माफिया धमका नहीं सकता। अतीक हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था पर पहली बार बोले सीएम योगी। अतीक अशरफ केस में एसआईटी ने शुरू की जांच, तीनों हमलावरों से पूछताछ के लिए रिमांड एप्लीकेशन करेगी दाखिल। 17 दिन में मिले 669 कोरोना संक्रमित, फिर भी कम नहीं हो रही लापरवाही, बिना मास्क घूम रहे हैं लोग। यूपी में मौसम का आ गया बड़ा अलर्ट, 46 डिग्री तक जाएगा तापमान, लखनऊ से नोएडा तक झुलसाने वाली गर्मी। लखनऊ में ईद से पहले ही मार्केट में सेल और डिस्काउंट की बहार, अमीनाबाद से चौक तक बाजारों में उमड़ी भीड़। अतीक अशरफ केस में एसआईटी ने शुरू की जांच, रिक्रिएट कर सकती है क्राइम सीन, तीनों हमलावरों से पूछताछ के लिए रिमांड एप्लीकेशन करेगी दाखिल। नोएडा में एक पहिए पर बाइक चलाकर रील बनाना पड़ा भारी, 18,000 का कटा चालान। इंटरनेट बंदी से 800 करोड़ का बिजनेस प्रभावित, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुए, जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर थमे। आकांक्षा सुसाइड केस में समर के लैपटॉप की तलाश, 5 दिन की पूछताछ में मौत की असल वजह आई सामने। अतीक अशरफ के तीनों शूटर्स नैनी से प्रतापगढ़ जेल हुए, सिर्फ तनाई बैरक में रखे गए हैं, हत्याकांड में 2 एसआईटी ने गठित किया। मेरठ में पानी भरने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 लोग हुए घायल। यूपी के किराना स्कूल में लगी आग, कानपुर में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया काबू, छात्रों को निकाला गया बाहर। यूपी के फतेहपुर में भाई संग जारी, बहन के साथ हुआ छेड़छाड़, युवकों ने दोनों को पीट पीट कर किया घायल, पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामला में मथुरा कोर्ट में चल रहे 13 केस एक करके हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर होगी कार्यवाही। आगरा के ताजगंज में बंधक बनाकर लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के आगरा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस ने मासूम को रौंदा, फंसकर घिसटता रहा शव। यूपी के फरुखाबाद में बेटे के बाद मां ने पिया तेजाब, अस्पताल में दोनों की हुई मौत। बनारस के बीएचयू ट्रामा सेंटर में खुला यूपी का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक, मशीनों का ट्रायल हुआ शुरू। डॉक्टर से मारपीट के मामले में करौली सरकार को क्लीन चिट, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। यूपी के बरेली में मीट फैक्ट्री से लौटते युवक की मौत, भीड़ ने गोली मारने का शोर मचाकर पुलिस को पीटा। वाराणसी सारनाथ के बीच बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार, 4 घंटे ब्लॉक लेकर इंजीनियरिंग विभाग करेगा काम। गोरखपुर जिले में 3 बैंकों के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज, बिना ओटीपी यूपीआई के निकल गए पैसे। वाराणसी बाबतपुर 4 लेन पर ट्रेलर और ट्रक में भीषण टक्कर, ट्रक का कैबिन काटकर एक शव निकाला गया। कुत्तों के हमले से डॉक्टर की मौत पर नगर आयुक्त लखनऊ तलब, नगर विकास विभाग ने लिया संज्ञान।